मंत्री नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठना मुंबई में काम करती है इस संगठना ने जो रिवर एंथम तैयार किया उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को चार साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया ये चार साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते सबसे महत्व की बात यह है कि यह संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं इसमें जो प्रमुख हैं मिस्टर चौगुले इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे इनका कोई संबंध नहीं है लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फ़ोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक इनके साथ रहने वाले उनके जवाई इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किन पिन होनी चाहिए लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी इनको भी मैं वो सबूत दूंगा।